नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 7 भारत में। दिवाली एक बौद्ध पर्व है। दिवाली थाईलैंड, चीन, जापान, बर्मा, कंबोडिया जैसे बहुत सारे बौद्ध राष्ट्रों में यह पर्व मनाया जाता है, लेकिन अलग अलग नाम से। जैसे भारत में ही दीपावली कहा जाता है, दिवाली कहा जाता है, और जो प्राचीन नाम था बौद्धों के समय वह कहा जाता था दीपदान उत्सव। दीपदानोत्सव भी कहा जाता है। सम्राट अशोक के समय में जब यह पर्व शुरू हुआ था। अब जबकि पिछले वीडियो में यह आप समझ चुके हैं कि दिवाली का राम से कोई संबंध नहीं है, तो आप खुद ही डिसीजन ले सकते हैं कि विश्व भर में मनाई जाने वाली दीपावली वह बौद्ध दीपदान उत्सव मुख्य है या भारत के सिर्फ कुछ क्षेत्रों में मनाई जाने वाली दीपावली मुख्य और प्राचीन है। तथ्य, तर्क, सबूत तो यही कहते हैं कि यह गौतम बुद्ध के लिए मनाई जाने वाली दीपावली है, यह सम्राट अशोक के द्वारा शुरू की जाने वाली दीपावली यानी दीपदानोत्सव है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, आप पूरी तरीके से डिटेल में समझ पाएंगे इसके प्रमाणों को। तो निवेदन है, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह लिखते हैं कि जॉन एस स्ट्रॉन्ग अमेरिका में रिलीजियस स्टडीज के प्रोफेसर हैं। उन्होंने द लीजेंड एंड कल्ट ऑफ उपगुप्त प्रिंसटन 1992 में एक किताब लिखी थी। इस किताब में उन्होंने लोक पड़ति यानी पाली टेक्स्ट के अनुसार के आधार पर बताया है कि भारत की दीपावली एक बौद्ध पर्व है जिसका आरंभ सम्राट अशोक ने करवाया था। इस पर्व को थाईलैंड में लोई क्रोथोंग के नाम से जाना जाता है। थाईलैंड में जो लोई क्रोथोंग पर्व मनाया जाता है, यह वही कथा है और वही घटना है, इसीलिए थाईलैंड में लोई क्रोथोंग मनाया जाता है कि गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद जब सबसे पहली बार अपने घर यानी अपने महल वापस लौटे थे, तो उनके पिता राजा शुद्धोधन के कहने पर पूरे राज्य को दियों से जगमग कर दिया गया था। यह वही पर्व है जिसको मनाने के लिए सम्राट अशोक जब बुद्ध के उपदेशों को संकलित करने के लिए 84,000 स्तंभ स्तूप बनवाए थे, इसी दिन सम्राट अशोक ने इन स्तूपों और इन स्तंभों का उद्घाटन किया था दीप प्रज्वलित कराकर, जिससे पूरा का पूरा अखंड भारत दीपमय हो गया था, जिसे दीपावली कहते हैं, जिसे दीप दानोत्सव कहते हैं। थाईलैंड में इसी पर्व को लोई क्रोथोंग कहते हैं। यही पर्व अलग नाम से चीन में भी मनाया जाता है। यही पर्व अलग नाम से जापान में भी मनाया जाता है। यही पर्व अलग नाम से बर्मा में भी मनाया जाता है। यही पर्व अलग नाम से कंबोडिया में भी मनाया जाता है। इसके साथ साथ बहुत सारे बौद्ध राष्ट्रों में यही दीपदानोत्सव पर्व मनाया जाता है, जिसका मुख्य कारण गौतम बुद्ध के लिए और सम्राट अशोक के द्वारा शुरू किया गया यह पर्व है। यह जो फोटोग्राफ आपके स्क्रीन पे चल रहा है, आप देख पा रहे हैं, यह उसी थाईलैंड के पर्व लोई क्रोथोंग के फोटोग्राफ हैं। यह लोग दीपदानोत्सव बहुत ही अच्छे ढंग से मनाते हैं, इनके लिए यह प्रमुख पर्व है। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि भारतीय मान्यताओं के अनुसार बुद्ध विष्णु के अवतार होते तथा दीपावली भी राम से संबंधित होती, तो यह दोनों धारणाएं भी बौद्ध राष्ट्रों तक सबसे पहले पहुंची होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है।
आज भारत के बौद्ध और भारत के मूल निवासी भी भारत की इस मूल संस्कृति का प्रारूप, सही प्रारूप समझ पाए हैं और फिर से दीपदानोत्सव मनाना शुरू कर दिए हैं। मान्यताओं को रिसर्च से प्रमाणिक बल मिलता है, जबकि हिंदू मान्यताओं का केवल भावनात्मक बल ही दिखता है, केवल कथा कहानी झूठ ही दिखता है। सारे के सारे प्रमाण यही कहते हैं कि यह दीप दानोत्सव है। वैसे ही जैसे भारत में पहले वैज्ञानिक प्रमाण नहीं थे, तभी तो अशोक स्तंभ को भीम की लाठी कहा जाता था। हालांकि यह तो अब जग जाहिर है ना कि अशोक स्तंभ भीम की लाठी नहीं, अशोक स्तंभ है। उसी प्रकार यह भी अब जग जाहिर हो गया है कि यह राम से संबंधित दीपावली नहीं, यह दीप दानोत्सव है जो बुद्ध और सम्राट अशोक से संबंधित है। यह भारत के लंबे मध्यकालीन इतिहास में दर्ज भी रहा है। यदि महज 200 वर्ष पहले धम्म लिपि न पढ़ी जाती तो आज भी आप अशोक स्तंभ से परिचित नहीं हो पाते और आप एक गलत तथ्य को निकाल कर ही चलते। इसी तरह बहुत सी बातें अभी भी बाकी हैं। तो मेरे मूल निवासी मित्रों, मेरे बौद्ध मित्रों, निवेदन है आपसे कि आप इस बौद्ध पर्व को पूरे धूमधाम से मनाएं। बस इसमें से पाखंडवाद यानी काल्पनिक कथा कहानियों के फर्जी देवताओं को निकाल कर बाहर कर दे और उस जगह पर बुद्ध की माता महामाया, जिन्हें गजलक्ष्मी कहा जाता है, उन्हें आप याद कर सकते हैं, बुद्ध को याद कर सकते हैं और सम्राट अशोक को याद कर सकते हैं। बाकी पूरे धूमधाम से आप दीपदानोत्सव जरूर मनाएं। मैं आपसे बार बार एक बात कहता हूँ, यदि आपके बाप को दूसरा कोई अपना बाप कहने लगे तो क्या अपने बाप को आप बाप कहना बंद कर देंगे? नहीं करेंगे ना, रहेंगे तो वो आपके पिता ही, और उन्हें आप अपना पिता कहना नहीं बंद करेंगे। तो उसी प्रकार आपके पर्व को, आपके धम्म से संबंधित धरोहरों को यदि कोई अपना कहना शुरू कर दिया था, तो आज जब आपको पता चल गया कि वह आपकी धरोहर है, आपका पर्व है, तो आपको बिल्कुल उसे छोड़ना नहीं चाहिए। जितना अधिक से अधिक हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि भारत के प्रत्येक मूल निवासियों को, प्रत्येक बौद्धों को पता चल सके कि एक्चुअल में भारत का मूल इतिहास क्या है। और यदि आप हमें डोनेट करना चाहते हैं तो स्कैनर स्क्रीन पर लगा हुआ है, स्कैन करके डोनेट जरूर करें। और यह भी आपको जानना होगा कि धनतेरस जो पर्व है, त्यौहार है, यह भी बुद्ध धर्म से संबंधित पर्व है जिसका वीडियो कवर किया गया था। यह न्यूज रिपोर्ट देखने के लिए जो आपके स्क्रीन पर थंबनेल लगा हुआ है, इसे जरूर देखिएगा। इस थंबनेल पर क्लिक करके आप पूरी तरीके से समझ पाएंगे कि एक्चुअल में प्रमाणिक तौर पे धनतेरस बौद्धों का पर्व है।